हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मेजरिंग कप से आधा कप खसखस के दाने लिए और दानों को मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख दिया था। साथ ही मैं मेजरिंग कप से ही मैंने आधा कप बादाम लिए हैं, तो बादाम को भी मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोकर रखा था। तो आप देख सकते हैं बादाम कितनी अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब इनका हमें पानी निकालना है, तो मैंने एक बाउल पर छलनी रखी है। छलनी में हम बादाम डाल देंगे। अब इस बादाम को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। साथ ही में हमने जो खसखस के दाने लिए हैं और इसका पानी निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी निकाल दिया है और खसखस को भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। जार का ढक्कन लगाकर हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। तो पेस्ट को तैयार करने में मैंने 1/4 कप पानी का यूज किया है। मैं बादाम को छिलकों सहित पीस रही हूँ। अगर आप बादाम के छिलके निकालना चाहते हैं तो आप बादाम के छिलके निकाल दें। वैसे छिलकों में बहुत ही प्रोटीन आयरन होता है, तो इसलिए मैं बादाम को छिलकों के सहित ही पीस रही हूँ। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम मेजरिंग कप से 1/4 कप घी डालेंगे। मैंने देसी घी का यूज किया है, तो हलवा बनाने के लिए देसी घी का ही यूज करें। और ये मेरा घर का बना घी है, तो बहुत ही शुद्ध है। अगर आप इसमें गाय के घी का यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो घी भी मेल्ट होने लगा है। अब हमने जो बादाम और खसखस को पीस के रखा था उसे हम घी में डाल देंगे। तो पूरे पेस्ट को मैंने घी में डाल दिया है। अब इसे हमें चलाते हुए सेकना है। तो मैंने पेस्ट को अच्छे से सेक लिया है। आप इसका कलर चेंज देख सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 कप शक्कर डालेंगे। शक्कर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब शक्कर को भी हमें अच्छे से मेल्ट होने तक पकाना है। सर्दी के दिनों में आपको काफी फायदा देगा। सिर दर्द और आंखों की कमजोरी को भी दूर करेगा। तो शक्कर भी मेल्ट हो गई है। अब हमें हलवे को ब्राउन कलर होने तक पकाना है। ऑलरेडी हम खसखस और बादाम के पेस्ट को भून चुके हैं, बस इसे हमें हल्का सा ब्राउन होने तक और पकाना है। और अगर इसमें आपको घी कम लगता है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी और डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हलवे ने घी छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। इस तरह का हलवा सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ठंड के दिनों में तो इसे खाना बहुत ही अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं हलवे का कलर चेंज हो गया है। तो हलवा सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और हलवे को सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, एक बार यह हलवा जरूर बनाकर खाएं। हलवे की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मजेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।